ग्वालियर में अपने नशेड़ी बेटे की प्रताड़ना से तंग आकर एक पिता ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से पहले पीड़ित पिता ने 8 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें उन्होंने पुलिस से अपने बेटे के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। दरअसल ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र के दुल्लपुर इलाके में रहने वाले सुरेश गुर्जर अपने बेटे धर्मेंद्र गुर्जर से ही काफ़ी समय से प्रताड़ित हो रहे थे। नशा करने के लिए पैसा न देने पर बेटा उनके साथ मारपीट करता था। अपने बेटे की प्रताड़ना से तंग आकर मजबूर पिता ने मौत को गले लगा लिया और साथ ही सुसाइड नोट में मृतक सुरेश गुर्जर ने बेटे द्वारा अपनी पत्नी की हत्या की भी आशंका जताई है। पुलिस ने मृतक पिता सुरेश गुर्जर के बेटे धर्मेंद्र पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मैं पूरी की पूरी सफलता मिलना मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गली चौराहे कॉलोनियों में ही इस तरीके के जो पदार्थ हैं वो खपने हैं, तो उन पर नियंत्रण तभी संभव है जब पूरा समाज पुलिस जो हमारा पुलिस तंत्र है उसके नाक कान और आँख बने, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों पे जो सप्लायर उन पर कार्रवाई कर सकें और ऐसे नौजवान बच्चों को सही राह पर ला सकें और किसी दूसरे परिवार को बर्बाद होने से बचा जा सके।